हमारी, एक चीज हमारी, एक दुश्मन हमारी, एक दुश्मन हमारी। मातृभाषी कदम बढ़ाओ। सब तक हमारा डोमिसाइल हमारी जमीन को लेके, क्योंकि 2019-370 खत्म करने के साथ सब कुछ बंद नहीं हुआ, तब से लेके आज तक कोशिश की जा रही है किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियार छीने जाए, किस तरह इनको बेदखल किया जाए इनकी जमीनों से। हमारे जो असासे हैं, हमारे जो वसाइल हैं, हमारी बिजली हमको सबसे ज्यादा महंगी मिलती है, मुल्क में उसको सस्ते दामों देते हैं, मुफ्त में देते हैं। इसलिए ये इलेक्शन इसलिए जरूरी है कि ताकि लोग दिल्ली वालों को ये पैगाम दे कि जो आपने 2019 में नाजायज तरीके से किया, गलत तरीके से किया, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह से कहा गया था, कहा जा रहा था पीडीपी अब खत्म है, जिस तरह से आप इलाकों में जा रहे हैं, आप राजौरी पूंछ पे, आप नता में हो, सेंट्रल कश्मीर में हो, तो कैसे देखते हैं किस तरह से रिवाइवल? देखा, जो पीडीपी है लोगों के दिलों में बसती है, हो सकता है कुछ अरसे के लिए लोग पीडीपी से, मगर लोग समझते हैं कि पीडीपी जैसी जमात जिसने बहुत कम वक्त में सरकार में रही, जबकि दूसरी जमातें 50 साल रही, जब मुफ्ती साहब के 3 साल का मुकाबला किया जाता है तो मुफ्ती साहब के 3 साल बहुत भारी पड़ते हैं। मुजफ्फराबाद रोड जो कभी सोचा नहीं थे कश्मीरी ने, रावला कोट रोड, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रैपिड तालीम टीचर, टास्क फोर्स, पोटा, इकबान को खत्म करना, बातचीत करवाना, ये तो किस वजीर आला ने आज तक ऐसा किया है, और इतने कम अरसे में? इसलिए जो पीडीपी ने लोगों को बंदूक से बाहर निकाला, वो लोगों के दिलों में वो बात बसती, इसलिए पीडीपी को खत्म करना इतना आसान नहीं है। मेरा झगड़ा उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं है, मैं चाहती हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त हालात है लोग उसको समझे और एक ऐसी पार्टी को वोट दे जो पार्टी दिल्ली में जाके यहाँ के लोगों के जो मसले मसाइल है, जो हकीकत है, उसको बयान करे बिना डर के, बिना खौफ के। मैम मतलब क्या मजबूरी पड़ी कि उसने अलायंस तोड़ना पड़ा? वो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। थैंक यू।